कार्यकर्ता बोला जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। तो मुलायम जी की वो बात सोनिया जी कितनी समझी होगी मुझे नहीं पता। वो मुलायम जी ने फोन किया बोले तो हाल लौंडा ना हाल लौंडा का फट्टा लगा दिए। कुल मिला के ये चुनाव परिणाम था। एक और फोन हुआ उसी दिन, अब उसी दिन नहीं ये तो अभी हुआ, जैसे ही एनडीए में तय कर लिया कि राम कोविंद जी अगले राष्ट्रपति होंगे, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास, बोले अब चलें या कोई और बहाना बच रहा है। और जब यूपी के चुनाव थे उन दिनों मोदी जी ने भी खूब भाषण दिए साहब, बोले 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ, इस चक्कर में अपने 3 साल भी जोड़ लेते हैं वो। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय अगर सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। ठीक है जी, बस इतना ही, बहुत आनंद बहुत है। ये हास्य का हम आधा आनंद लेना चाहिए, और कोई दुर्भावना थोड़ी होती है इसके पीछे। दुर्भावना हो तो नेता ही पैदा करते हैं, हम ना करते। अच्छा आपने कवि सम्मेलन, लेकिन कवि संघ की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी जी। विश्व का पहला काव्य पाठ हरियाणा में हुआ था, बिल्कुल स्थान था कुरुक्षेत्र, कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। ये पहला काव्य पाठ है जी, इससे पहले आपको काव्य पाठ का इतिहास नहीं मिलेगा। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को, उसके बाद पूछा था बोले लड़ रहा है या और सुनाऊं। तो फिर अर्जुन को लगी लड़के ही मरना ज्यादा ठीक रहेगा।